कॉन्ग्रेचुलेसन सारे यूट्यूबर, भारी डिमांड के चलते यूट्यूब ने एडिट करने के लिए अपना खुद का ऐप निकाल दिया है। अब आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूट्यूब ने अपना ऐप खुद से निकाल दिया। उसमें का आपका कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा, वाटरमार्क नहीं आएगा और आपको एक भी पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। तो आपको कहाँ से जाना, डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है यूट्यूब क्रिएट। तो यूट्यूब क्रिएट जैसे ही लिखेंगे तो वो ऐप आ जाएगा। वो आपको हम दिखा रहे हैं, हम तो डाउनलोड कर चुके हैं, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए। तो यूट्यूब क्रिएट जब आप डालेंगे, देखो मेरे में इंस्टॉल लिख के आ रहा है, देखो हम उसको हाईलाइट भी कर देंगे। यूट्यूब क्रिएट उसमें बीटा लिखा हुआ है, ये ऐप मतलब अभी अभी लॉन्च हुआ है यूट्यूब की तरफ से। तो इसमें आपको ये दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि कभी हमारे पास कॉपीराइट आ जाएगा। और हम लोग इसमें इसको लिंक कर दिया गया है आपके यूट्यूब स्टूडियो से, है ना, यूट्यूब स्टूडियो जो है उससे लिंक कर दिया गया है। तो यूट्यूब की जो लाइब्रेरी है, जितने भी सॉन्ग होते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक पे, कोई ना कोई जैसे ब्लॉग व्लॉग आप बनाते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक पे वो लगाया करते हैं आप लोग जो सॉन्ग वगैरह, तो आपको अब कहीं दूसरी जगह नहीं भटकना है, कई सारे म्यूजिक इसी में रहेंगे और उसको वहाँ से आप लोग अटैच कर लेंगे। और यूट्यूब क्रिएट आपका इसमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत रहती थी कि काइन मास्टर को अगर आप लेते हैं और या और भी कई सारे ऐप हैं तो उनको अगर आप लेते हैं, उनसे आप अगर एडिट करते हैं तो उसमें वाटरमार्क आता था, या फिर अगर वाटरमार्क हटाना है तो उसका परचेज जो होता था वो करना पड़ता था, जो काफ़ी महंगा होता था। और जो शुरुआती दौर के यूट्यूबर होते हैं वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हमें भी पता है क्योंकि हम भी उसी लाइन के हैं और हमें भी स्थिति पता रहती है कि 100 में से 20 लोग जो होते हैं वो अफोर्ड करते हैं मगर 80 लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज़ है जो यूट्यूब ने लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे और यूट्यूब क्रिएट ऐप निकालिए और उसको इंस्टॉल करिए, और आगे हम वीडियो बनाएंगे कि इसमें किस तरीके से एडिट किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।